तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग पीछे के क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को कवर कर रहे थे। और थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट में हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के टॉपिक को कवर कर रहे थे। ठीक है, हम लोग किसके टॉपिक कवर कर रहे थे? गिब्स फ्री एनर्जी का। अगर आपको याद होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी के टॉपिक में हम लोग शुरुआत किए थे कि गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है। ठीक है, वह जनरली किस सिस्टम पे काम करता है, कब आइसोथर्मल सिस्टम होता है, कब आइसोबारिक सिस्टम होता है, तब वो किसकी जनरल फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग चलते चलते बात किए थे कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो जनरली एंट्रोपी और जो एंथैल्पी है उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे हम लोग खास करके सिस्टम के टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप ऐड करते हैं। तो कहते हैं कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो वह एक एंट्रोपी और सिस्टम के एंथैल्पी के बीच में जो जिसके माध्यम से हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, वह जो है वो फिर का कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की सिस्टम होती है। ठीक है, जहां पर हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम जो है, अगर एंट्रोपी और एंथैल्पी के चेंजिंग के साथ अगर कितना उस सिस्टम द्वारा वर्कडन की जाती है, इसका रिलेशन हम क्या करते हैं, इसका भी रिलेशन हम गिब्स फ्री एनर्जी से के इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स के इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग तय कर लिए थे, आज हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो हम लोग आगे आज सीखेंगे, तो इसमें पहला टॉपिक जो हम लोग सीखना शुरू करेंगे वह होगा वेरिए क्या कहते हैं, वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। डालिए, वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन, वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन, वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग त्रिपाठी जी। विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो वेरिएबल ऑफ वर्क फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, आज की हमारी यही टॉपिक है। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर बात करें तो कहते हैं कि जब भी हम लोग कहते हैं किसी भी सिस्टम का, अगर कोई भी हमारे पास वर्क फंक्शन, चूंकि जो भी हमारे पास सिस्टम होता है ये क्या होता है, एक वर्क फंक्शन की तरह काम करता है। तो कहते हैं कि द वर्क फंक्शन, द वर्क फंक्शन ऑफ द सिस्टम, अगर वर्क फंक्शन ऑफ द सिस्टम का है तो क्या होता है, ए इजिकल टू यू माइनस टी एस। ये इक्वेशन हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। जब इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये होगा आपका डीए और ये क्या आपका डीयू, और माइनस, ध्यान रखेंगे एक बार टी को कांस्टेंट, सॉरी एक बार टी को डिफरेंशिएट करो एस के कांस्टेंट रखकर, और एक बार एस को डिफरेंशिएट करो टी को कांस्टेंट रखकर। जब भी इस तरह के इक्वेशन हमको मिलता है तो ऐसे कंडीशन में जब दो कांस्टेंट हमारे, दो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, तो उस कंपोनेंट्स में एक बार फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड को कांस्टेंट मानकर, और एक बार सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट को कांस्टेंट मानकर। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट को कॉन्स्टेंट मानकर सेकंड को डिफरेंशिएट करते कर सकते हैं, टी डी एस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और यहां पर इंट्रोपी क्या है आपका डिफरेंशिएट हो रहा है, और माइनस क्या, अब यहां पर टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करो और इंट्रोपी को कॉन्स्टेंट करो, तो एस टी डी। आई होप आपको इंट्रीगेशन समझ में आया होगा कैसे करते हैं इसको। इक्वेशन नंबर इसे क्या मान ले, टू मान ले। ठीक है, अब चूंकि इंट्रोपी चेंज होता है, चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कितना होता है, आपको पता है कि डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन में टी। यह हम एंट्रोपी के कितने पिछले कई क्लासों से चिल्लाते हुए आ रहे हैं,
जब भी हम एंट्रोपी पढ़ाते हैं तो ये टॉपिक जरूर आता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या होता है कि चेंज इन रिवर्सेबल डेल ई, चेंज इन रिवर्सेबल क्यू जो होता है, क्यू रिवर्सेबल इज इक्वल टू, या चेंज इन, या डेल डेल क्यू रिवर्सेबल चेंज इन हीट इन रिवर्सेबल प्रोसेस, नमस्ते नमस्ते दानिश, इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू माइनस डेल डब्ल्यू। ये अकॉर्डिंग टू क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में वर्क डन रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब उस सिस्टम में वर्क डन अगर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड हो, इफ द वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड टू वर्क ऑफ एक्सपेंशन, मतलब वहां रिस्ट्रिक्टेड है कि क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा, इफ द वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड, ध्यान रखेंगे, इफ वर्क इज क्या रिस्ट्रिक्टेड टू द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, टू द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, इफ वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड टू वर्क ऑफ एक्सपेंशन, नमस्ते धीरज, ठीक है। इफ वर्क क्या हो कि इफ वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड टू वर्क ऑफ एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन के लिए काम होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वर्क डन निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम इस पर अगर सिस्टम पर वर्क करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, वर्क डन निगेटिव होगा। एक्सपेंशन करना है सिस्टम को तो हमें सिस्टम पर वर्क करना होगा, तो जब ऐसे कंडीशन में होगा तो क्या होगी, एक्सपेंशन होगा, तो यहां से क्या निकलेगा, माइनस डी डब्ल्यू या डेल डब्ल्यू चेंज इन वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, पी डी बी। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, यहां से आ गया आपका 4 और ये आपका आ गया 5, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जैसे हमारे पास जो 5 इक्वेशन निकला, ठीक, और अब एक काम करो, ये पी डी बी का वैल्यू आप उठाकर इक्वेशन नंबर 4 में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल डब्ल्यू इन इक्वेशन 4 वी गेट क्या मिलेगा हमको। अब चूंकि यहां पे नेगेटिव में है, आप पूरी उठाकर आप वैल्यू रख दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डेल या डेल क्यू रिवर्सेबल इजिकल टू डी यू, और माइनस उठाकर आप रखोगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी डी वी, इसे आप इक्वेशन नंबर 6 मान लो, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से क्यू रिवर्सेबल आ गया कितना, डी क्यू रिवर्सेबल इजकल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है, चलेगा यहां तक, ठीक है। तो क्यू रिवर्सेबल कितना आ गया, या इसी को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं डेल क्यू रिवर्सेबल। अब जो यहां पे जो इक्वेशन नंबर हमें 6 मिला, ठीक, अब क्या करते हैं कि ये जो टी क्यू रिवर्सेबल की वैल्यू उठाकर आप टेम्परेचर इक्वेशन नंबर 3 में रखो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू रिवर्सेबल इन इक्वेशन 3 वी गेट क्या मिलेगा, उठाकर रखोगे तो लिख सकते हो डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी अपॉन में टी, ठीक है। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई करते लिख सकते हैं टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये आ गया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब देखो यहां से टी डी एस क्या निकल कर आ गया, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, ठीक है। अब देखो अगर इस टीडीएस को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टीडीएस इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या करेंगे, अब इस टीडीएस की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा,
डी ए इक्वल टू डी यू और माइनस ये डी यू प्लस, ध्यान रखेंगे ये निगेटिव में है वैल्यू, ठीक है, तो जब निगेटिव में रखोगे ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस पी डी भी और माइनस एस डी टी, यहां से डी यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जब डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा तो यहां से क्या निकल कर आएगा, डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी बी और एस डी टी, ठीक है, चलेगा, पी डी ए इक्वल टू माइनस पी डी बी और एस डी टी, जिसे आप ले लो इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, चलो फटाफट इतना उतारो। डेरिवेशन आपको ध्यान में रखना है कि डेरिवेशन आपको एकदम क्लियर कट दिमाग में बैठे होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक 4 नंबर का या कहीं कहीं पर 8-8 नंबर का डेरिवेशन आता है, ठीक है, आप कंपटीशन एग्जाम देने नहीं बैठ रहे हो, आप ग्रेजुएशन की एग्जाम देने बैठ रहे हो, ग्रेजुएशन की एग्जाम में आपको डेरिवेशन जो है बड़े बड़े आते हैं, इसीलिए आपको डेरिवेशन करने आना चाहिए, और डेरिवेशन रट के नहीं होता है, तो आपको पहले बता दे, किसी भी डेरिवेशन को ना हमने आज तक कभी नहीं रटा, पिछले 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक कभी हम किसी भी डेरिवेशन को रटे नहीं है, ठीक है, ये हम सिर्फ एक दूसरे पर डेरिवेशन देखते हुए बैठा रहता है, आपको प्रीवियस कंसेप्ट याद होनी चाहिए, अगर कंसेप्ट याद है तो आप डिराइव आसानी से फॉर्मूला कर लेंगे, ठीक है, चलिए यहां तक उतार लीजिए आप, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक, चलिए जल्दी बनाइए। अब यहां से डी ए इक्वल टू कितना आ गया, पी वी पी डी वी माइनस एस डी टी, ठीक है, अब एक काम करो, मान लो कि अगर टेम्परेचर, अब इसमें केस आता है, हम लोग दो ही केस पढ़ना है, एक बार जब एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो, मतलब कि वॉल्यूम क्या हो कांस्टेंट हो, और एक बार क्या हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो, मतलब कि टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो, ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 8 निकल कर आया, अब इस इक्वेशन नंबर 8 को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अब इसमें हमारा जो है रियल इक्वेशन निकल गया, अब इसी पर हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, अब केस नंबर फर्स्ट, यहां पर अब केस नंबर फर्स्ट, इफ क्या हो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इफ टेम्परेचर इज किप कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज किप या कैप्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो यहां पर, कैप्ट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टी इजिकल टू कितना हो गया, जीरो, यानी कि टेम्परेचर में परिवर्तन यानी डी टी इजिकल टू कितना, जीरो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो अब उठाकर आप यहां पे टी के वैल्यू को तो कितना हो जाएगा, ये जीरो होगा, जब ये जीरो होगा तो मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो क्या है यहां पर, डी ए इजिकल टू माइनस पी डी वी और माइनस एस डी टी, अब यहां पर रखो जीरो, तो ये पूरा का पूरा हो गया जीरो, तो डी ए इजिकल टू कितना, माइनस पी भी चलेगा, अब यहां से ये कब है, जब टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे क्या है यहां पे, जब टेम्परेचर क्या है, अब ये अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, काम करो उठा सीधा यहां पर, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, डी ए टेम्परेचर कांस्टेंट इजिकल टू क्या, माइनस पी डी वी टेम्परेचर क्या कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, अब इसी को आप चाहो तो यहां से प्रेशर को यही छोड़ दो, उठाकर इधर रखोगे तो कितना आ जाएगा, डी ए अपॉन में डी वी एट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इजिकल टू माइनस पी, ये इक्वेशन नंबर आ गया आपका 9, तो याद रखेंगे कि अगर गिव्स फ्री एनर्जी में ध्यान, तो अगर कोई भी सिस्टम है, अगर वो सिस्टम का प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा, उसके इंटरनल जो हमारे पास जो क्या कहते हैं, खास करके टेम्परेचर में क्या होगी परिवर्तन होगा, और टेम्परेचर के परिवर्तन ही यानी वेरिएबल वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो, सॉरी टेम्परेचर में, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, डीवी यहां पे जो इसके वर्क डन में और इसके वॉल्यूम में क्या होगा, परिवर्तन होगा विद कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आपका आ गया 9, कब, जब आपका प्रेशर, क्योंकि हम इसका यूज आगे चल के इक्वेशन कराएंगे, जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से है, ठीक है, तो ये कब है, जब टेम्परेचर कैसा हो कॉन्स्टेंट हो, तो ये केस नंबर 1, अब इसके बाद आता है केस नंबर 2,
केस नंबर टू, इफ वॉल्यूम इज किप्ट कॉन्स्टेंट, मतलब क्या, डीवी इज इक्वल टू क्या हो, जीरो, वी गेट, तो क्या मिलेगा हमको, क्या है यहां पर डी ए, अब यहां पर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करेंगे माइनस पी डीवी और एस डी टी, और क्या है वॉल्यूम हमारा कॉन्स्टेंट है, तो मतलब आप वी की यानी कि ये वी कितना है जीरो, डीवी जीरो हो गया, तो डी ए भी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, अब यहां से एंट्रोपी निकल कर आएगा डी ए अपॉन में डी टी और इंटू भी इज इक्वल टू माइनस हो गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो यहां से हमको फॉर्मूला मिल गया कब, जब हमारे पास प्रेशर और ध्यान रखेंगे प्रेशर और यहां पर एंट्रोपी, प्रेशर और एंट्रोपी निकालने का कब, जब हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल हो, तब एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट पर और एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट पर, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वहां से प्रेशर कैलकुलेट होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वहां से एंट्रोपी कैलकुलेट होगा, क्या कैलकुलेट होगा, एंट्रोपी कैलकुलेट होगा, ठीक है, आई बात समझ में, कि टेम्परेचर अगर बदल जाए, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बना लीजिए, बताइए देखकर कोई दिक्कत, तो डेरिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम आपको बार बार बोलेंगे, क्योंकि डेरिवेशन आपको आता है तो यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, विदाउट डेरिवेशन यू कैन नॉट गॉट एनीथिंग, क्योंकि ग्रेजुएशन के एग्जाम में आपको डेरिवेशन हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि यू आर नॉट इन क्लास 11th एंड 12th, यहां तक कि 12th के एग्जाम में भी जब आप बोर्ड के पेपर देते हैं वहां भी आपको डेरिवेशन पूछे जाते हैं, पर ग्रेजुएशन में आपको बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन आते हैं, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आ रहा है तब आपको कुछ नहीं आएगा, तब तो आप फंस जाएंगे, ठीक है, तो हमने कहा कि वेरिएबल गिव्स एनर्जी एट ए कॉन्स्ट, इसमें क्या है वेरिएबल वेस्ट एनर्जी या वेरिएबल गिव्स एनर्जी विद क्या, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेरिएबल गिव्स एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, क्योंकि हमें प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम इसी तीनों के रिलेशनशिप को लेकर हमें ज्यादा चर्चा करना है, तो वेरिएबल गिव्स फ्री एनर्जी या वेरिएबल गिव्स एंड डालिए वेरिएबल गिव्स, वेरिएबल गिव्स डबल जी होता है फ्री एनर्जी एट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है टेम्परेचर और प्रेशर पे, तब हमें गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अब हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, द फ्री एनर्जी इज, द फ्री एनर्जी इज गिवन, अगर फ्री एनर्जी दिया हो तो कैसे निकालते हैं, जी इज इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी और माइनस टीएस, एंथैल्पी टेम्परेचर और एंट्रोपी, ठीक है, जी इज इक्वल टू एच टीएस और एक एच इज इक्वल टू जो होता है एंथैल्पी जो होता है वो कितना होता है इंटरनल एनर्जी और पीवी, आप इंटरनल एनर्जी यहां पर कैपिटल ई भी लिख सकते हैं, ई हाथी वाला एलिफेंट वाला, ठीक है, तो आप यहां पर यू भी लिख सकते, सॉरी ई भी लिख सकते हैं, तो यू प्लस पी भी, आप जो आपको अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं, इक्वेशन एक और इक्वेशन दो, ठीक है, अब यहां जो एच की वैल्यू है उठाकर इसमें रख दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन वन वी गेट
क्या मिलेगा? इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू को रख दो, कितना हो जाएगा? जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस, ये आ गया इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, अब पूरे इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करो, ध्यान रखेंगे। एक काम लिखते हैं पहले हम, गलतियां यहीं पर होती है, डिफरेंशिएटिंग द होल इक्वेशन थ्री वी गेट, ध्यान रखेंगे जब भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है तो पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब कि हर किसी को एक एक पर डिफरेंशिएट करना है। जैसा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? dg, ये अकेले है तो लिखोगे du, और प्लस यहां पर pv है तो एक बार प्रेशर को डिफरेंशिएट करो वॉल्यूम को कांस्टेंट करके, और एक बार वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे प्रेशर को कांस्टेंट करके। आई बात समझ में? तो प्रेशर कांस्टेंट करके वॉल्यूम डिफरेंशिएट करो, और प्लस वॉल्यूम कांस्टेंट करके प्रेशर डिफरेंशिएट करो। ठीक है, उसी तरह से यहां पर माइनस टेम्परेचर कांस्टेंट रख के एस को डिफरेंशिएट करो, तो टी डी एस और माइनस एस टी डी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। होल डिफरेंशिएशन एक बहुत बेहतर कंसेप्ट है, इसी में बहुत ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर चार। ठीक है, हाँ चलेगा। अब हम चूंकि पढ़े हैं कि ds जो होता है चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या होता है? डेल क्यू रिवर्सेबल अपॉन में टी, और डेल क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी हम इसे पहले अभी से पीछे पढ़े थे कि du प्लस पी डी वी अपॉन में क्या होता है? टी होता है। तो यहां से जब आपको डी क्या कहते हैं ds, यानी इसको हम क्या ले सकते हैं, ds इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी अपॉन में क्या टी, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल कर आएगा, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, लिख सकते हैं इसको। अब इसको जो है इक्वेशन नंबर आप पांच मान लो। ठीक है, अब यहां से टी डी एस की वैल्यू जो है कहीं पर रख सकते हैं क्या? इक्वेशन नंबर चार पर रख दो, देखो क्या मिलता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका टी डी एस इन इक्वेशन फोर वी गेट, उठा के चार में रख दो, कितना निकल कर आएगा? अब यहां पे जो है क्या है, डी जी है, डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस क्या पी डी वी। ठीक है, अब यहां पे क्या है प्लस वी डी पी और माइनस, अब यहां टीडीएस माइनस में है, जब इसको रखोगे तो पूरी वैल्यू किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस डी यू और माइनस पी डी वी और माइनस क्या यहां पर एस डी टी, देखो तो कुछ कट रहा है क्या, यहां से डी यू और डी यू कट जाएगा, पी डी वी पी डी वी से कट जाएगा, तो डी जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी डी पी माइनस भी डी पी माइनस एस डी टी, निकल कर आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एस डी टी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खिलेश। तो ये इक्वेशन नंबर आ गया आपका कितना, छह नंबर, इक्वेशन नंबर छह आ गया। ठीक है, नीचे देखो, दिस एक्सप्रेशन गिव द चेंज इन फ्री एनर्जी, दिस एक्सप्रेशन गिव द चेंज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी गिव द फ्री एनर्जी विथ चेंज इन प्रेशर एंड विथ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर in a reversible process, so it's called total differential equation, so it's called total differential equation,
ठीक है, जैसे हमने पीछे ही क्वेश्चन अभी जो किए थे कि कहां पर जब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकाले थे, कब, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम जब था तब, ठीक है, वेरिएबल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू निकाले थे, उसी तरह से हमने एक इक्वेशन यहां भी डिराइव कर लिया कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल हो तब हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू इक्वेशन क्या होगा, यह हम निकाल लिए। ठीक है, अब यहां पर फिर हम पढ़ते हैं केस, तो केस वन इफ टेम्परेचर कैप्ट कॉन्स्टेंट, मतलब dt इज इक्वल टू कितना, जीरो। जब dt जीरो रखोगे तो यहां पर रखोगे तो dg प्रेशर कांस्टेंट भी dp प्रेशर कांस्टेंट माइनस s dt प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर नहीं बल्कि टेम्परेचर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो यहां से आ जाएगा dg t इज इक्वल टू v dp इक्वल टू भी डीपी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहां से भी इक्वल टू क्या होगा, इसको उधर भेज दो, या तो आप क्या लिख सकते हो डीजी अपॉन में डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू भी। ये आ गया इक्वेशन नंबर आपका 7। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला गिब्स फ्री एनर्जी में, ठीक है, यहां जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। और इसी तरह से केस नंबर टू, इफ क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट, तो डीपी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहां रखोगे डीजी प्रेशर कांस्टेंट भी डीपी प्रेशर कांस्टेंट माइनस एस डीटी प्रेशर कांस्टेंट। अब यहां पे डीपी की वैल्यू जीरो, तो क्या हो जाएगा, डीजी पी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, और क्या है यहां पर, प्रेशर कांस्टेंट। तो जरा बताओ यहां से क्या निकल कर आएगा, अब यहां से एंट्रोपी निकल जाएगा, तो यह हो जाएगा डीजी अपॉन में डी टी एट प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस एस। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 8। तो हमने क्या क्या डिराइव कर लिया, गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू कब हमारे पास, अगर वेरिएबल क्वांटिटी दिए गए हैं, वेरिएबल अगर कोई भी कॉन्स्ट दिया गया है डाटा, तब हम गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास, कब, एक बार जब अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, माने वेरिएबल हमारे पास क्या हो, टेम्परेचर और प्रेशर हो, और एक बार वेरिएबल हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम हो, तो फिर हम कैसे फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो नीचे लिख लो, थस वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज गिवन इक्वेशन 7 and 8 respectively। ठीक है, अब चलिए यहां तक तो हम लोग सीख लिए, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किस तरह कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि अब इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी के हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं कि अगर सपोज करो कि हमारे पास सिस्टम कैसा हो, आइसोथर्मल कंडीशन हो, तब हम गिब्स फ्री एनर्जी की चेंज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द चेंज द गिब्स फ्री एनर्जी एट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अगर प्रोसेस कैसा हो, आइसोथर्मल हो, तो फिर ऐसे कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए चेंज इन फ्री एनर्जी। फॉर्मूला आपको डिराइव अगर आता है आपको करने, तो हमको बताएं, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी आपके सिलेबस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए आप इसको मजाक में ना लेंगे,
जब भी होगा आपको जब भी मौका मिलेगा आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो चेंज इन फ्री एनर्जी हेड डालिए, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी फॉर फॉर अ प्रोसेस अंडर आइसोथर्मल, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, तो लिखिए द चेंज फॉर द एनर्जी, लिखो द चेंज इन द फ्री एनर्जी, द चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर अ कंप्लीट प्रोसेस, फॉर अ कंप्लीट प्रोसेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, तो अगर आइसोथर्मल कंडीशन होगा अंडर कैसा, इन द आइसोथर्मल कंडीशन। अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिराइव किया था, अगर क्या होगा डी जी चेंज इन क्या कहते हैं गिव्स एनर्जी एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू क्या भी डीपी। अभी हम इससे पहले एक क्वेश्चन इसको डिराइव किया, अभी तुरंत ही डिराइव किए थे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सिस्टम क्या है कि अगर कंप्लीटली आइसोथर्मल होगा, इसे इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो अगर कंप्लीटली इफ सिस्टम इज कंप्लीटली आइसोथर्मल देन प्रेशर बिकम चेंज, प्रेशर बिकम चेंज फ्रॉम पी वन टू पी टू वी गेट, प्रेशर कहां से कहां तक परिवर्तन होगा पी वन से लेकर पी टू तक, तो क्या मिलेगा हमको, तो इसे डी यानी चेंज इन एनर्जी, ध्यान रखेंगे आप क्या निकलेगा चेंज, तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या भी डीपी, कहां से कहां तक टी वन से लेकर टी टू तक लिख सकते हैं। अब जो भी डीपी निकल के आ गया इसे हम इक्वेशन नंबर दो मान लें। अब आपको पता है कि फॉर एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर एन मोल आइडियल गैस होता है तो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, तो यहां से भी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी अपॉन में पी। अगर हम उठाकर यहां पर इसकी वैल्यू रख दें, इसे आप तीन मान लो, ठीक है, तो रख दो पुटिंग द, ये काम को यहां से करो, यहां लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी इन इक्वेशन टू वी गॉट वी गेट, क्या मिलेगा, तो डेल जी टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू कहां से कहां तक पी वन से लेकर पी टू तक, और क्या वी की वैल्यू रखो क्या एन आर टी अपॉन पी, एन आर टी अपॉन में पी, और यहां पे क्या डीपी, यहां पे क्या हो गया डीपी। ठीक है, अब यहां से एनआर क्या है बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल जी टी इज इक्वल टू एन आर टी, बाहर निकल जाएगा डीपी अपॉन में पी, पी वन से लेकर पी टू तक। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक होगा पी वन माइनस पी टू, सॉरी पी वन से पी टू तक, तो सुन सकते हम लोग डेल जी पी इज इक्वल टू एन आर टी, और इसे कर सकते हम लोग एल एन पी टू अपॉन में पी वन, क्योंकि यहां पर होगा जो डिफ्रेंशिएट करोगे तो एल एन पी पी टू माइनस पी वन। ठीक है, इसी को सकते हम लोग एल एन पी टू माइनस एल एन पी वन, और इसी को सकते हम लोग एल एन पी टू अपॉन पी वन, तो डायरेक्ट हम यहां से लिख दिए तो डेल जी पी इज इक्वल टू एन आर टी एल एन पी टू अपॉन में पी वन। ये आपका फाइनल इक्वेशन मिल गया इक्वेशन नंबर चार। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या
P2V2। तो यहां से P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू क्या, V1 अपॉन में V2। उठाकर अगर इस इक्वेशन में इसको 5 मान लें तो बाय 4 एंड 5, 5 4 5 से तो उठाकर रख दोगे तो कर सकते हो डेल जी अपॉन में पी इज इक्वल टू एन आर टी एल एन V1 अपॉन में V2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को एक हम फाइनल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक काम करो, इसी को आप एक काम कर सकते हो, अगर इसे लॉग में रखना होगा तो क्या करेंगे, डेल जी पी इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग P2 अपॉन P1। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल जी पी इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1। ये आपका 10 बेस में आ गया। ठीक है, अब हम इसको फाइनल एक इक्वेशन में समराइज कर दे तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी, ध्यान रखें कुछ हम लोग गलत क्यों लिख रहे हैं, सॉरी ब्लंडर मिस्टेक बेटा, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना। हम प्रोसेस जो रिएक्शन लिख रहे हैं वो टेम्परेचर कांस्टेंट पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फाइनल एनर्जी क्या लिखे, चेंज इन एंट्रोपी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंज इन ग्रिप्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग 10 बेस P2 अपॉन P1 या 2.303 एन आर टी लॉग 10 बेस V1 अपॉन V2। ये है आपका फाइनल इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, इसके साथ ये टॉपिक जो है यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज एकोमनाइड द कंप्रेशन ऑफ वन मोल ऑफ एन इज इक्वल टू कितना है, वन मोल ऑफ CO2 एट 57 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हो गया 57, 273 और प्लस 57, 7 5 12 मतलब हो गया 330 केल्विन, 370 टेम्परेचर फ्रॉम 5 एटमोस्फेरिक प्रेशर टू 50 एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नीचे लिख लो नोट करके, एज्यूम CO2 बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, CO2 बिहेव लाइक एन आइडियल गैस और R की वैल्यू ले लो 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। नहीं कैलकुलेट कर लोगे क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू टी, चूंकि प्रेशर है यहां पर तो कितना 2.303, एन की वैल्यू कितना 1, फॉर्मूला लिख दें एन आर टी लॉग 10 बेस P2 अपॉन P1, तो 2.303 एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1.987, टेम्परेचर 330, लॉग 10 बेस 50 बटे में 5, सॉल्व करोगे 10, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, तो 2.303 1 इंटू 1.987 इंटू 330, कैलकुलेट कर देना जो आंसर आएगा वो आ गया कैलोरी। आसान है कि नहीं, और एक क्वेश्चन और लिख लो जो टेम्परेचर पर दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज विच अकर्स व्हेन वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एन का वैल्यू वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिवर्सेबल
एंड आइसोथर्मल, रिवर्सेबल एंड आइसोथर्मल टेम्परेचर 300 केल्विन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 50 लीटर टू 500 लीटर आर की वैल्यू आप जो है यहां पर ले लो 8.314 जूल केल्विन पर मोल। क्या करेंगे यहां से, चेंज इन टेम्परेचर गिव्स फ्री एनर्जी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सॉरी ये था आपका कांस्टेंट, हाँ ये कितना था टेम्परेचर, ठीक है तो यहां पे कितना होगा एन आर टी लॉग 10 बेस वी वन अपॉन में वी टू, तो कितना हो जाएगा माइनस एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन और इनटू लॉग 10 बेस वी वन की वैल्यू 50 बटे में 500, यहां से कटा 10, कितना हो जाएगा 1 × 8.314 300 और 1/10 की वैल्यू कितना -1, तो इसको आप इसको सॉल्व कर देना, कैसे ले सकते हो माइनस लॉग 10 बेस 1 और माइनस लॉग 10 बेस 10, ठीक है तो कितना होता है 8.314 इंटू 330 और इंटू लॉग 10 बेस 1 की वैल्यू कितना 0 और 10 की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा -1, तो यहां से जो सॉल्व करेंगे तो डेल जी टी इज इक्वल टू माइनस, क्या करोगे माइनस लगा दोगे तो माइनस या 8. फॉर्मूला गलत यहां पर होता है 2.303, तो इसमें आ गया 2.303। अब ये फाइनल जो डेल जी की वैल्यू निकलेगा वो कितना होगा 2.303 8.314 1 × -1, जो सॉल्व करना वो आ जाएगा आपका जूल में, किसमें आएगा जूल में, क्या हो भैया 1510 केल्विन है, कहां पे 1510 केल्विन है, आंसर निकाले हो, अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड अखिलेश, वेरी गुड, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है चलिए आज की सेवा यहीं खत्म, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।